5 minutes book reading is part of reading your week campaign. अगर आपको किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है तो किताबों को सुनिए. मैं आपके लिए रोज नई नई किताबों को पढ़कर उनकी कुछ खट्टी मीठी बातें सुनाऊंगा. फिर आपको वो किताब पसंद आ जाए तो उस किताब को उठाइए और पढ़ लीजिए. तो आज की किताब बड़ी स्पेशल है, मेरी फेवरेट है. ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने दिल की बात सुनते हैं और जो जीवन जीने के नियम खुद बनाते हैं. फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो या स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, भाई हो या बहन हो, ये किताब सभी के लिए है जो दिल की बात सुनते हैं. ये जो कथाकार है ना, ये कहानी लिखने वाले भाई साहब, कथाकार ने अपनी सोच के समंदर में डूबकर एक ऐसी कथा निकाली है जो सीएम, अरे सीएम नहीं जानते, सीएम चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सीएम यानी कॉमन मैन, आम इंसान के जहन में घर कर ले कुछ ऐसी कहानी है ये. ये कहानी जॉन की है. जॉन जिसे लोग जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल के नाम से जानते हैं, ये जॉन हम सबके अंदर है. कभी कभी ये जॉन बाहर आता है पर हम उसे वापस अंदर भेज देते हैं ये कहकर कि जनाब आप कुछ प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते हो, इसलिए यू जस्ट गेट लॉस्ट इन शार. बस फिर क्या, जॉन बैठ जाता है. हमारे अंदर की जॉन की बात कर रहा हूँ. ये जॉन का पैशन है सीखना और प्रश्न करना. प्रश्न करता है कि क्या हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? क्या जीवन में भोजन के आगे कुछ भी नहीं है? और हम उसे क्या कहते हैं मालूम है? हम कहते हैं भाई साहब बिन भोजन भजन नहीं हो पाए. पर खैर जॉन असल है अपनी खोज में डूबा हुआ है और डूबता जा रहा है अस्तित्व के अर्थ की खोज में. He's finding out the meaning of existence, a search for meaningful life, a search for truth, सत्य की खोज, search for freedom. सीखने के लिए दिन रात सुबह शाम धूप हो या छाव हो कुछ भी चलेगा इस बंदे को. Learning is his passion. Learning through life and throughout life. तुम्हें समाज से निकाला जाता है, तुम नकारा हो, तुमको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तुम हमारे समाज के लायक ही नहीं हो. ये कहकर जॉन से सब मुंह मोड़ लेते हैं. पर बंदा मस्त है अपनी उड़ान में, सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है. जीवन के कुछ खास अर्थ उस बंदे को समझ में आने लगे हैं. बंदा गतिमान है, गति को नापता है और गति को बढ़ाने की चेष्टा भी करता है. कहता है गति ही शक्ति है, स्पीड इज पावर. गति ही आनंद है, स्पीड इज जॉय. गति ही सुंदरता है, स्पीड इज प्योर ब्यूटी. स्पीड से अलग जीवन के रूप रंग को समझता सीखता जा रहा है और अचानक वो अपने ही जैसी सोच वालों को देखता है, उनके संपर्क में आता है. फिर क्या, फिर सीखने पर अब उसका कुछ काबिल रह सकता है? बिल्कुल नहीं. अब उसका जीवन सीखने के परे हो चुका है. He has transformed his life beyond learning. बंदा फ्रीडम की बात करता है, बंदा परफेक्शन की बात करता है, बंदा थॉट्स की बात करता है, विचार की बात करने लगा है. ये बंदा पूछता है क्या ये स्वर्ग है सब ज्ञान जो सीखने को रूपांतरित कर चुका है? He has transformed learning and moving towards totality. ज्ञान कहता है नहीं जॉन, ऐसी कोई जगह है ही नहीं. स्वर्ग कोई जगह ही नहीं है और ना ही वो कोई समय है. स्वर्ग तो पूर्णता है. पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. नो जॉन, देयर इज नो सच प्लेस
Heaven is not a place and it is not a time. Heaven is being perfect. Chiang ne seekhne ki prakriya ke waqt kaha, hum samay ke saath seekhne ki shuruaat kar sakte hain agar tum chaho, aur phir sabse kathin par shaktishali aur mazedar seekhne ke liye taiyar ho jao. You can start working with time if you wish, till you can fly the past and the future. And then you will be ready to begin the most difficult, the most powerful, the most fun of all. You will be ready to begin to fly up and know the meaning of kindness and of love. Aur Chiang usse prem ki baat karta hai. Jaate jaate wo kehta hai, you have to work on love, John. You have to work on love. अब क्या पूरी कहानी मुझसे सुनोगे? ना बाबा ना, 5 मिनट होने वाले हैं और कहानी में अगर मजा आ रहा है तो उठाओ किताब जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल बाय रिचर्ड बाक. रीडिंग कैंपेन आपके लिए मजेदार किताबों की झलकियां लेकर आ रहे हैं. सुनते रहिए, कल फिर नई एक किताब, नई सोच, नया रास्ता, नई समझ. अगर आपको 5 मिनट रीडिंग किताब का कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो आप अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, कॉलेज और कॉलेजियंस और अपने कलीग्स को बताइए और रीड इंडिया रीड कैंपेन को आगे बढ़ाइए. और आपकी कोई मजेदार पसंदीदा किताब है जिसकी झलक हम आपको सुनाए तो ईमेल करें info@latch.org.in. तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, हैव अ ग्रेट टाइम.